नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम लौकी की बर्फी बनाएंगे। इसमें हम मावा का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सारी जगह मावा मिलता ही नहीं है। आज हम इसे कंडेंस मिल्क के साथ में बनाएंगे। बड़ी जल्दी, बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्फी बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने एक लौकी ले ली है। ये 800 ग्राम की लौकी है। लौकी एकदम कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पकी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी लौकी हो जिसमें हमें बर्फी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पल्प मिल सके, तो इसकी मोटाई थोड़ी सी ठीक ठाक हो। इसको हम छील लेते हैं। और इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट कर हटा देंगे। 2-2.5 इंच के पीसेस में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। दो भागों में बांटेंगे, एक पीस उठाएंगे और बीच में से और इसका सॉफ्ट पार्ट इस तरीके से निकाल कर हटा देंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। लौकी की बर्फी बना रहे हैं, हम एक चीज और ध्यान रख लें कि लौकी को थोड़ा सा काट के टेस्ट कर लें। कभी कभी, बहुत रेयरली लौकी कड़वी निकल जाती है। लौकी मीठी है, बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसको हम छोटा छोटा काट के सब्जी बना सकते हैं या सूप बना सकते हैं। लौकी के टुकड़ों को हम एक बार अच्छे तरीके से धो लेते हैं। लौकी हमने पहले इसे धो कर ली थी। और अब ये लौकी के टुकड़े हम ग्रेट कर लेंगे। इधर ये थोड़ा सा मोटा है ग्रेट करने के लिए और इधर थोड़ा सा पतला है, तो हम बर्फी के लिए पतली साइड से लौकी को ग्रेट करेंगे। और जो ये मोटे मोटे पीसेज ऊपर रह जाएंगे इन्हें हटा देंगे। ये हमने लौकी को ग्रेट कर लिया और ये पीसेज ज़्यादा लंबे भी नहीं है और मोटे भी नहीं है। ये ग्रेटेड लौकी 450 ग्राम है। छलनी में डाल लेते हैं। इस तरीके से दबा दबा कर इसमें से हम सारा जूस निकाल देंगे, क्योंकि जूस में थोड़ा सा खारा टेस्ट होता है। इसके हट जाने से बर्फी का टेस्ट अच्छा आएगा और ये लौकी का जूस पी सकते हैं। अब हम इसे पकने के लिए पैन में डाल देंगे और 1/2 कप इसमें फुल क्रीम दूध डाल देंगे। लौकी को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है पकाकर। अब इसे ढककर मीडियम गैस पर 5-6 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, लौकी को चला देते हैं। और अब हम इसे फिर से ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे, गैस मीडियम रखेंगे। और इधर हम इलायची पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 6 इलायची लिए, इनका पाउडर बना लेते हैं। लौकी को चेक करते हैं। लौकी को हमने 8 मिनट पका लिया है, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और फ्लेम तेज करके लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमने लगातार चलाते हुए 6-7 मिनट भून लिया है, ड्राई हो गई है काफी। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये 1 टिन कंडेंस मिल्क का है। अब हम इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे, फ्लेम तेज रखेंगे और चलाने का ध्यान रखेंगे। इसे पकाते हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं, काफी गाढ़ा लग रहा है। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़े से बादाम फ्लेक्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार, काजू, पिस्ते, कुछ भी डाले जा सकते हैं। और हम अभी इसे और गाढ़ा करेंगे। ये काफी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसी तरीके से चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। बर्फी का मिश्रण अच्छा गाढ़ा हो गया है। हम इसे भून रहे हैं, हम देख रहे हैं इससे घी अलग होने लगा है। तो अब हम इसे जमाते हैं। गैस बंद कर देते हैं। प्लेट ले लेंगे।
थोड़ा सा घी डालकर इसे चिकना कर लेंगे। मिश्रण को प्लेट में डाल देंगे और इसे एक जैसा पतला फैला देंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा रखेंगे इसे। इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम फ्लेक्स डाल देते हैं और ये थोड़ी सी पिस्ता कतरन भी डाल देंगे, ऑप्शनल है। और अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि फिक्स हो जाए। अब हम इसे जमने के लिए ठंडी जगह पर रख देंगे। बर्फी सेट हो गई है, हम इसे काट लेते हैं। पीसेस अपने हिसाब से छोटे या बड़े किए जा सकते हैं। प्लेट को हम नीचे से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि पीसेस आसानी से निकल जाएंगे। पीसेस निकाल कर प्लेट में रखते हैं। लौकी की बर्फी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है, आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप कंडेंस मिल्क डाल देंगे तब आप उसे लगातार चलाते हुए पकाएं, अच्छा गाढ़ा करें। जब वो मिश्रण थोड़ा घी छोड़ने लग जाए, कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगे, तब आप उसे जमा दें। या उसे चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप एक प्लेट में निकालें, ठंडा करें और देख लें कि वो जम रहा है। आपका मिश्रण तैयार है, बर्फी जमा कर तैयार करें। आप बहुत अच्छी लौकी की बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे फ्रिज में रखकर पूरे 10 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।